मिल्की और साहिबा को उस टाइम पार्व हो गया था कुछ टाइम पहले, तो अभी इसलिए यार वीडियो वगैरह मैं बना नहीं पा रहा था कि यार डॉग पहले ठीक हो जाए तो उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा। तो आप तो वैसे सारे डॉग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो यार आज आपको सारे डॉग दिखाऊंगा, लेकिन आज सारे डॉग एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी मैं अलग ही रखता हूँ सारे डॉग्स को। वैसे पार्व वगैरह तो किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी अलग ही रखने पड़ते हैं। और वैसे रिटॉर वगैरह सबसे पहुँच दिया डॉग को, लेकिन अभी मैं एक साथ नहीं छोड़ता हूँ, तो आपको सभी को एक एक करके दिखाऊंगा। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको साहिबा को और उसके बाद मिल्की जैनी सबको दिखाऊंगा एक साथ। फिर चलिए आपको टाइम से करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखने से पहले अगर आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलना, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोलना पड़ता है इस टाइम, क्योंकि इससे वैसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे भी हो सकती है उनसे, तो इसलिए इसको भी यार अलग ही करना पड़ता है क्योंकि अभी ये भी बच्ची है इस टाइम। तो दोस्तों आज की वीडियो में ज़्यादा यार और कुछ ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी सारे डॉक्टर एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि इनकी अभी कंडीशन कैसी है। और अभी यार सर्दी का टाइम है, तो इसलिए मौसम इस टाइम चेंज ज़्यादा हो रहा है, तो आपको यार इस टाइम थोड़ा संभाल के रखना है डॉग्स को, क्योंकि यार उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लोग क्या करते हैं, नहला देते हैं डॉग्स के लिए कि अब तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया तो नहला देना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। डॉग्स को नहलाना वगैरह नहीं है इस टाइम, थोड़ा संभाल के रखना है। और अब दिखाते हैं आपको अपना नेक्स्ट डॉग जो कि मिल्की है। ये रही अपनी मिल्की, और मिल्की भी काफ़ी टाइम बाद आ रही है बेचारी हमारे साथ, क्योंकि अभी मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था बाहर घूमने के लिए, इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। और बाकी मिल्की भी अब ठीक हो चुकी है एकदम। हाँ अब मैं इन्हें यहीं पे छोड़ता हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए, अकेले अकेले छोड़ना पड़ता है इस टाइम। अच्छा मिल्को, मिल्की तो अपने ही टॉय से खेलती है। ले मिल्को, मिल्को कम ले इधर आ, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ, अच्छा इधर आ, इधर आ, अच्छा दोस्तों। काफ़ी टाइम हो गया था यार यूट्यूब पर यार वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा छोटी सी वीडियो बना देते हैं। जो भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे डॉग्स की वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जैनी को, क्योंकि अब उसको मैं अंदर कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद इन्हें बाहर बांधेंगे सबको। तो अब दिखाते हैं आपको जैनी। तो दोस्तों ये रही अपनी जैनी, और जैनी सीधी बाहर आके धूप में बैठ गई थी। बाकी यार ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी और कोशिश करेंगे यार और कुछ नया लाने के लिए। और अब दिखाते हैं आपको चारों डॉग्स को एक साथ, तो चलिए पहले उनको मैं बाहर लेकर आ जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। आने वाली है तो आपको साहिबा भी दिखाता हूँ, और बाकी आपने देख ही लिया है और साहिबा को भी आपको दिखा देता हूँ। इन चारों को यार बांधता भी छत पर ही हूँ मैं, पहले इनको थोड़ी देर खिलाता कुदाता हूँ, फिर थोड़ा देर को खाना वगैरह खिलाता हूँ, फिर थोड़ी देर इनको धूप में बांधता हूँ अलग अलग, और साथ में तो इनको मैं बिल्कुल नहीं रखता। सब डॉग मेरे अलग रहते हैं इस टाइम,
दो जो है मेरे ऊपर रूमर रहते हैं, दो नीचे रहते हैं, उस तरह से रखने पड़ते हैं क्योंकि यार अभी इनको पारवी हो चुका है, तो इसलिए सारे डॉग्स को अलग रखना ही ठीक होगा। और अभी दिखाते हैं आपको साहिबा को, तो साहिबा भी अब आ चुकी है और साहिबा को आप लोग देख लीजिए। आज की हमारी छोटी सी वीडियो, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है, छोटी सी वीडियो होगी वो भी, लेकिन मैंने एक भाई को अपने एक जर्मन शेफर्ड फीमेल दिलवाई थी, छोटी सी फीमेल है, अभी लगभग 40 डेज की हो चुकी है, तो उसको भी दिखाऊंगा कैसी वो फीमेल है, कैसी क्या उसकी क्वालिटी है। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।